में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं शालिनी आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। दोस्तों, सभी को पुलाव खाना बहुत पसंद होता है। ज्यादातर घर में पुलाव बनता है। किसी को मटर पुलाव पसंद होता है तो किसी को गोभी पुलाव बहुत पसंद होता है, किसी को जीरा पुलाव बहुत पसंद होता है। लेकिन आपको पता है इन पुलावों का राजा कौन है? इन पुलावों का राजा है नवरत्न पुलाव। जिस तरह बादशाह अकबर के दरबार में बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस होते थे उनके नवरत्न, जो आज भी याद किए जाते हैं। इसी तरह हमारे पुलाव में भी सबसे ज्यादा फेमस है नवरत्न पुलाव, जिसे बनाना बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये और नॉर्मल पुलावों की तरह स्पाइसी नहीं होता है, ये कुछ मीठा बन लिए होता है, तो इसको बहुत ही यूनिक बनाता है। तो चलिए आप बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून घी। आप यहाँ बटर का भी यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो इसमें डालेंगे हम ये ड्राई फ्रूट्स। मैंने ये 3 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, काजू और किशमिश। और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इस पुलाव का मजा देसी घी में ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर देसी घी यूज किया है। थोड़ा सा इसे अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे ये मैं पनीर लिया है, पनीर के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं और इसको भी हम फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमारा पनीर गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको फ्राई करने से इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा होकर आता है, इसलिए मैंने इसको फ्राई किया है। और ये टूटता भी कम है फिर फ्राई होकर। तो ये बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे आलू, इसे हम फ्राई करेंगे। ये मैंने एक आलू लिया है और इसको मैंने डाइस कर लिया है, इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। सारी सब्जियों में सबसे ज्यादा देर से गलता है आलू, सबसे पहले आलू ही डालना ठीक है। ओवर कुक नहीं करना है इनको। अब इसमें डालेंगे मटर, ये मैंने 1/4 कप ली है, तो थोड़ा सा भूनेंगे। कॉर्न लिया है, ये भी 1/4 कप है। गाजर, ये भी मैंने 1/4 कप ली है। अच्छे से इनको भूनेंगे। अब डालेंगे इसमें हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च। ये मैंने सब 1/4 कप ली है। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। सारी शिमला मिर्च सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैंने ओवर कुक नहीं करना है। सब्जी हमारी सब अच्छे से कुक हो गई है। अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। अब मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं, तेज पत्ता, 5-7 दाने काली मिर्च के हैं, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा जीरा लिया है 1/2 टीस्पून के करीब। और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। साबुत गरम मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब डालेंगे हम इसमें जिंजर और गार्लिक, ये मैंने 1-1 टीस्पून लिया है और बारीक बारीक इनको चॉप कर लिया था। लहसुन और अदरक अच्छे से भुन गई है। अब इसमें हम डालेंगे राइस, ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं, उनको अच्छे से साफ करके और प्रेशर कुकर में 3 सीटी लगाकर मैंने इनको उबाल लिया था, जैसे नॉर्मली हम चावल कुक करते हैं।
चावल कुक करते समय ही मैंने उसमें नमक डाल दिया था, अब ऊपर से ऐड करने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 टीस्पून यह है गरम मसाला, ये भी डाल देंगे। अब हम इसमें अपनी सारी सब्जियां जो हमने फ्राई की थी वो सब डाल देंगे, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। अब इसमें एक चीज और हम डालेंगे जो इसको बहुत ज्यादा खास बनाती है, वो है केसर का दूध। ये मैंने 1/4 कप दूध लिया है, जिसमें मैंने कुछ केसर के धागे डाल के इनको भिगो दिया था, और ये हम इसमें डालेंगे। इससे इसमें एक मोटी मिठास आती है और एक रंगत भी बड़ी अच्छी आती है इसकी, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढककर रख रही हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए देख लेते हैं। वाओ, इतना बढ़िया हमारा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। देखिए मैंने आपके लिए इतना बढ़िया पुलाव बनाया है, तो अब तो बनता है ना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे ये भी बताइएगा कि इस नवरत्न पुलाव में इसमें नवरत्न क्या क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इतने अच्छे पुलाव के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। लीजिए हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया है, चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे अपने नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।